पहले बात तो सूरज जी और पूरी टीम को ये हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाने के लिए आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे अपनी बातें रखने के लिए यहाँ निमंत्रण दिया है, और पूरी टीम को और जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को मैं अपनी ओर से जोहार करता हूँ। सूरज जी, आपने पूछा कि हमारा झारखंड कैसा है, हमारा देश कैसा है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इसी देश का हिस्सा ये झारखंड है, और हमारे पीछे एक आप पोर्ट्रेट देख रहे होंगे जो हमारे फादर की है, हमारे पिताजी की है, आदरणीय शिबू सोरेन जी की, और इनकी एक लंबी संघर्ष के बाद लगभग 40-45 सालों तक एक अलग राज्य का एक संघर्ष इस राज्य में हुआ, और अंतोगत्वा 2000 हमको हम एक अलग राज्य के रूप में पहचाने गए। अब ये हमारा ये नया स्टेट है, यंग स्टेट है, अभी 20 साल हुए इस स्टेट का, और इस स्टेट में लगभग ये पूरा राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। और अलग राज्य की परिकल्पना इसलिए कई की गई क्योंकि ये क्षेत्र, ये झारखंड प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा माइंस एंड मिनरल रिसोर्स स्टेट है, और कहा जा सकता है कि ये सोने की चिड़िया के जैसा है। लेकिन यहाँ कई मुसीबतें भी हैं साथ में, और उन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए ही एक अलग राज्य की परिकल्पना की गई थी, और अलग राज्य के बाद यहाँ पर नई सरकार बनती रही है। 20 सालों में कई सरकारें आई गईं, और अभी करंट ईयर में हम इस राज्य को आगे दिशा देने की जिम्मेवारी मुझे राज्य की जनता ने दिया है, और इस देश का एक अहम हिस्सा के रूप में हम जुड़े हुए हैं, और अहम भूमिका के रूप में भी ये राज्य अपने आप को देखता है। लेकिन दुर्भाग्य है थोड़ी सी इस राज्य की कि जहां इसको आज होना चाहिए था वो आज वहां पहुंच नहीं पाया है, और इसको लेकर हम लगातार आगे काम कर रहे हैं, और कैसे राज्य आगे बढ़े। और मुझे लगता है राज्य मजबूत होगा तो हमारा कंट्री देश, भारत देश भी मजबूत होगा, और हमारे भारत देश की जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक हालात हो या आर्थिक हालात हो, और साथ साथ में पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरे दुनिया में है उसके साथ भी हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पैंडेमिक में ही चीजों को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अभी हमारा 26 फरवरी से बजट सेशन भी हम करने जा रहे हैं, तो ये मोटा मोटी अभी के हालात हैं, अभी के सिचुएशन हैं।